परेशान हूँ मैं, गलियां के गलियां घूमे नंद के ललनवा, मुलाकात हो न हो लग जा करे नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया में है और आज एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिसे देवरिया के लता मंगेशकर कहा जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ देवरिया के लता मंगेशकर नहीं हैं, बल्कि पूरे भारत के लता मंगेशकर टू हैं। हालांकि लता मंगेशकर तो कोई नहीं बन पाएगा, लेकिन जब इनका गाना जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, लता मंगेशकर तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लता मंगेशकर की तरह सेम टू सेम गा रही हैं। हमारी टीम एक अद्भुत कवरेज करती है, आप तो जानते हैं टीवी समाचार की टीम ऐसे लोगों को खोजती है जो काफ़ी होनहार हों, जो अच्छे काबिलियत उनमें हो। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है और हमारे दर्शक आपके परिचय जानना चाहते हैं। मैं पूनम त्रिपाठी और मैं देवरिया जिले की रहने वाली हूँ और यहीं मेरा मायका भी है और यहीं से कुछ दूरी पर मेरा ससुराल भी है। तो और मैंने म्यूज़िक से एम्यूज किया है, फिर मैंने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर किया हुआ है और मैंने चंडीगढ़ से भास्कर किया हुआ है। और संगीत में काफ़ी दिनों से, मैं जब सीखती थी तब से मैं संगीत में शिक्षा लेती भी रही और देती भी रही बच्चों को। जी जी मैम, आपको कहा जाता है कि देवरिया के आप लता मंगेशकर जी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पूरे भारत के लता मंगेशकर टू हैं आप। और कैसे लोग जाने कि आप लता मंगेशकर टू हैं? हालांकि बहुत लोग आपको पहचानते हैं, जानते भी हैं, लेकिन शायद जो नए दर्शक हैं, जो नए लोग हैं, जो शायद अभी तक नहीं जान पाए, और हमारे देवरिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्ची के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाम आज भी है उनका, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों तक पहुंच नहीं पाए। और हम चाहते हैं कि अपने आवाज़ से दर्शकों तक पहले पहुँचिए गाने के माध्यम से। ठीक है, मैं देशभक्ति गाना हम बहुत पसंद करते हैं, एक देशभक्ति गाना है और उसी गाने के साथ हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, मैं आपको ऐ मेरे वतन के लोगों जी, 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 जी। दो लाइन सुना देती हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाना उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वाह, बहुत ही शानदार लगा मैम आपका गाना। ये देखी जाए तो लता मंगेशकर से कहीं कम नहीं है, हम तो इसे मानते हैं, और आप खुद ही देख रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत गा रही हैं मैम। और बहुत सारा गाना आपको याद होगा, स्टेज प्रोग्राम करती हैं, लेकिन और भी क्या, लता मंगेशकर का एक गाना है कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, तो हम चाहेंगे कि ये भी थोड़ा बहुत सुना दीजिए। जरूर, मैं जरूर सुनाऊंगी आपको दो लाइन। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान
जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। कितना सुंदर गाना है, एक प्यारी सी धुन, प्यारी सी आवाज़ और कोयल जैसी आवाज़, ये मन को मोह लेती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वाकई देवरिया में ऐसे होनहार लोग हैं जिनसे बहुत सारे लोग रूबरू नहीं हो पाए, और हमारी टीवी समाचार की टीम चाहती हैं कि इन लोगों से रूबरू हों आप। और जो इनको नहीं जानता है, मैं चाहता हूं कि इस टीवी समाचार के माध्यम से जाने। हालांकि कहा जाता है कि बहुत लोग फेमस भी हो जाते हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। इनकी आवाज़ में वो दम है, शायद अब कहा जाता है ना कि जब समय आता है तभी लोग हिट होते हैं। बहुत ज़्यादा कहा जाता है, हिट तो ही है, लेकिन कहने का मतलब एक बात है कि जब ईश्वर चाहें तो पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम हो जाता है। सही बात कह रहे हैं मैम? जरूर जरूर, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जो जब लिखा रहता है तभी होता है, क्योंकि इतनी सुंदर आवाज़ इंडियन आइडल पे भी नहीं मिलेगी आपको। शायद इंडियन आइडल के जो भी दर्शक देख रहे हों, जो भी जजमेंट करते हों, वो भी देखते होंगे, शायद हमारी वीडियो उन तक जाएगी, टैग भी कर देंगे हम ट्विटर पे उन्हें, जी देख लें एक बार। मैम और भी तमाम सारे आपके गाने होंगे, वो भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा गाना याद नहीं है। आप तो हालांकि गाती रहती हैं। जी जी, बहुत सारे गाने हैं और मैं गाती हूँ, फोक भी मैं गाती हूँ, अगर आप कहिए तो मैं दो लाइन फोक भी, एक फोक सुना दें। हाँ जरूर, मैं आपको एक फोक सॉन्ग सुना रही हूँ, वो गोदना का सॉन्ग है, तो काफी पुराना, मैंने बुआ जी से अपने सीखा था, तो उसे मैं अपने तरीके से गा लेती हूँ। हथवा डलरिया लिहले नटनी के भेस बनवले, गलियां के गलियां घूमे नंद के ललनवा, केहू गोदवाई हो गोदनवा, 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 केहू गोदवाई हो गोदनवा। मैम थोड़ा सा अब तो बहुत हम लोग दो तीन गाना सुन लें, लेकिन अब